हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richagandhi.in। अब तक के मेरी सारी वीडियो देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, अच्छी अच्छी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करने के लिए थैंक यू। और अब मेरी नई वीडियो मैं लेके आई हूँ। इससे पहले क्लास नंबर 43 में मैंने दो पार्ट्स किए थे। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा हार्ड लेवल ले रही हूँ, जिससे करने वालों को बोर भी ना हो और कुछ नया आप लोग को सीखने के भी मिल जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक डार्क लाइन वाला एक सर्कल बना देंगे, फिर उसके आसपास पतली लाइन वाला दो पतली लाइन बना के सर्कल बना देंगे। ओके, फिर यू शेप पैटर्न बना देंगे। फिर हम ये जो मैं लाई हूँ वो नया है कि पत्तियाँ बनाना है, और ये कैसे बनाना है मैंने क्लास 1, 2 और 3 के अंदर आपको सिखाया हुआ है। तो ऐसे पत्तियाँ बनाना है। तो ये पत्तियाँ हमारी बन गई है। अभी उसको फिल करने का भी एक नया तरीका है। सबसे पहले नीचे की ओर एक सर्कल बना दीजिए। आप सर्कल या सी शेप बोल सकते हो आप। वो बनाने के बाद बाकी की पत्ती है उसको पूरा फिल कर दीजिए। ये हमारा बनके तैयार है। अब मैं एक और चीज़ लाई हूँ कि अब हमको कर्व शेप बनाना है और उसके ऊपर सर्कल करना है। अगर मैं ये उन लोगों के लिए लाई हूँ जिनको मेजरमेंट की अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग सबसे पहले पेंसिल से उसका प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले पेंसिल से लेकर के एकदम लाइट लाइट ड्रॉ करके ऐसा बना सकते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से आप देख करके बनाएं। तो मैंने ये बना दिया है एकदम लाइट सा, एकदम लाइट लाइट आपको दिखेगा। फिर उसके ऊपर कौन से फिल कर दीजिए। नीचे डार्क करना है, ऊपर लाइट करना है। तो नीचे डार्क करने के बाद उसको एकदम हल्के से पकड़े रखो और एकदम लाइट वाला प्रेस करो, तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो आप उसको अच्छे से भी कर सकते हो। और फिर ऊपर की ओर एक डार्क डॉट बना के वो डॉट को खींच करके नीचे की ओर लेके जाना है, या नीचे से जमे तो आप नीचे से भी इसको कर सकते हैं। अब उसके ऊपर हम यू शेप पैटर्न वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इसी हम तीन लाइन बनाएंगे। ओके, ये बन गया है। अभी हम एक फ्लावर इधर की ओर बनाएंगे। तो ये एक पैटर्न हमारा बनके तैयार है। अभी दूसरा फ्लावर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो इसके लिए मिलती हूँ मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और हम अब बाकी के डिज़ाइन बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि सेम चीज़ ही है। यहाँ पे फ्लावर बनाने का मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले हम सी शेप बना देंगे। सी शेप बनाते वक्त बीच में थोड़ा गैप छोड़ देंगे। गैप एक सा ही छोड़ना है। अभी वो गैप जो छोड़ा है उसके ऊपर हम ऐसा बना देंगे। आपको जो जिस तरह से अच्छा लगे, जिस तरह से जमे बनाने में, वैसे बनाएं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। फिर इसको फिल कर दे।
ये फिल करने के बाद हम ऐसा शेप बनाएंगे, और इस बार मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा रही हूँ। तो वो करने के लिए आप हल्का सा पेंसिल के बिना कर रही हूँ, आप पेंसिल से चाहे तो कर सकते हैं, हल्का सा मेजरमेंट लेकर के भी इसको बना सकते हैं। ये मैंने बना दिया, अभी मैं इसको डार्क करूँगी और नीचे की ओर से मेरे को ज़्यादा डार्क करना है तो उसके नज़दीक से दूसरी बॉर्डर बना के इसको ले लूँगी। अब वो एकदम डार्क बना दूंगी, ठीक है। अभी ये हो जाने के बाद यहाँ पे एक डार्क डॉट बना के हम एक लाइन बॉर्डर जैसा बनाएंगे, जो मैंने इससे पहले भी बनाया था। फिर हमारा कॉमन है, तीन लाइन ये यू शेप पैटर्न की बनानी है हमें। तो अब हम ये जो तो है उसके आसपास पत्तियां बनाएंगे, तो पत्तियां कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत बड़ी भी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, तो फिर बीच में जो जगह रह गई है उसको हम फिल कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही पत्तियाँ इधर बनानी है, पर पहले हम एक फ्लावर बना देंगे यहाँ पे। तो वो फ्लावर हम बीच में बना रहे हैं, अब हम बाकी के पार्ट पे पत्ती बना देंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा एक शेप बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक बॉर्डर बना देंगे, फिर हमारी तीन लाइन, फिर ये होने के बाद हम बाकी की जो फिंगर्स है उसको फिल करेंगे। तो वो फिल हम कुछ डिफरेंट स्टाइल से कर रहे हैं। सबसे पहले एक डार्क बॉर्डर, फिर ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों, और हम बदली बदली लाइंस बना देंगे, फिर यू शेप पैटर्न, वो भी दोनों ओर सेम ही है, फिर कर्व डॉट, वो सर्कल बना के डॉट करते हैं वो, और नीचे की ओर या जो आप बोलना चाहे उधर हम थोड़ी नई तरह की डिज़ाइन लाए हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही हम बाकी की फिंगर्स पे कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एक और नई ब्यूटीफुल मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी हेल्प हो जाए। गुड बाय, टेक केयर।